I will call you on the next with the next continue with the next story. Same lesson 1. Vijaya returned home sadly when Shankar came back. He founded her tears. Ma, why you are crying? Asked Shankar. तभी विजय रिटर्न होम से आती है, तभी वो दुख से घर आती है. तब उसकी शंकर अपनी माँ को देखता है, फाउंडर की उसकी माँ की आँखों में आंसू हैं. देन ही तब वो पूछता है कि माँ आप क्यों रो रहे हो. माई गोल्ड रिंग इज लॉस्ट. वो बताती है कि मेरी सोने की अंगूठी खो गई. आई वेंट टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स. मैं कपड़े धुलने के लिए नदी पर गई थी. आई मस्ट हैव लॉस्ट इफ इट देयर. तभी बोलती है कि मेरी जो अंगूठी है कि मुझे मालूम है कि वो मेरी अंगूठी वहीं पे खो गई है. और वो तेज से रोने लगती है. डोंट क्राई. तो बोलता है कि रोने की ज़रूरत मत रोइए. आई शैल लुक फॉर योर रिंग. मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ. ही सैड ट्राइंग टू कम्फर्ट हर कि आप कम्फर्ट आप थोड़ा सा आराम करिए. शंकर रन डाउन टू द रिवर बैंक. तब वो रिवर नदी के किनारे जाता है. ही सर्च जावरी वेयर. वो सभी जगह देख खोजता है. ही बट ही कुडंट फाइंड द रिंग. तब भी उसे रिंग नहीं मिलती है. ही वॉन्डर्ड हाउ ही कुड गेट अनदर रिंग फॉर हिज मदर. तब वो सोचता है कि मेरी माँ को दूसरी अंगूठी कैसे मिल सकती है. एट वंस ही हैड एन आइडिया. तभी उसको एक आइडिया आता है. आई शैल गो फिशिंग इन माई लिटिल बोट. तभी वो वहाँ पे फिश को पकड़ना स्टार्ट कर फिशिंग करने के लिए सोचता है. वॉट एवर फिश आई कैन कैच. मैं जो भी फिश को पकड़ूंगा एंड आई शैल सेल इन द मार्केट. और मैं उनको मार्केट में बेचूंगा बेच देंगे विद द मनी आई सेव. तब मैं उस पैसों को मैं बचाऊंगा. आई शैल विल बाय न्यू रिंग. तभी मैं उस वहाँ से वहाँ के लिए नई दूसरी अंगूठी खरीद सकता हूँ. शंकर टुक आउट हिज लिटिल बोट untied it and pushed it down to the river bank. और वो अपनी बोट को बांध करके वहाँ से ले करके फिशेस को पकड़ने के लिए निकलता है. आफ्टर रोइंग वेरी हार्ड अ लॉन्ग टाइम ही रीच्ड अ स्पॉट इन द रिवर व्हेन वेयर ही न्यू ही कुड कैच अ लॉट्स ऑफ फिश. और वो पूरे इधर इधर सभी जगह जा करके वो फिश को पकड़ता है. ही स्प्रेड हिज नेट और अपनी जाल को फेंकता है. सून हिज बास्केट वर फुल ऑफ फिश ऑफ ऑल साइज. तभी उसकी बास्केट में हर साइज के फिशेस आती हैं. शंकर वॉज वेरी टायर्ड बट देयर वॉज नो टाइम टू रेस्ट. वो बहुत थक जाता है उसके बाद भी बट वो रेस्ट नहीं करता है. ही हैड टू हरी टू द मार्केट एंड टू सेल द हिज फिश वाइल इट वॉज फ्रेश. ताकि वो जो भी फिश पकड़ रहा था उसको मार्केट में जाके सेल आउट कर मतलब सेल करनी थी जो भी फ्रेश फिशेस थी. ही रोड क्विकली टू गेट देयर इन टाइम. और वो टाइम पे जा करके उन्हें सारी चीज़ों को सारी फिशेस को सेल करना चाहता था. लकली शंकर मैनेज टू सेल. खुशकिस्मत की बात थी कि वो जाके सारी चीज़ों को सेल ऑल द फिश इन द मार्केट और सारी फिशेस को जाके मार्केट में सेल. बट ही सेव्ड वन प्लक फिश फॉर देयर डिनर. और उसने उसे कुछ फिशेस को रख करके अपने डिनर के लिए रखता है. एज ही वॉक्ड होम टायर्ड टू द बोन. तभी वो इतना ज़्यादा टायर्ड टू द होम मीन्स वो इतना ज़्यादा थक चुका था. एंड हिज पॉकेट जिंगल्ड मीन्स वो एक ऐसी आवाज़ आ रही थी कि शेक कर रही थी जिसमें उसमें ढेर सारे कॉइन्स थे. एंड आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पेज टिल टुमारो. थैंक यू. हैव अ नाइस.